सिंह साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आपको क्या लगता है, ये जो बेबसी है आवाम की, वो सामने आ रही है? कल भी हमने देखा श्रीलंका वाले हालात थे, किस तरह से आर्मी के कैंप्स में घुस गए और फिर उसके बाद जो हाथ लगा वो लूटमारी करते हुए निकलते हुए दिखे। लेकिन उसके बावजूद भी ये क्यों कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद कूच करिए पीटीआई की तरफ से? क्या इमरान खान को यहाँ नहीं बोलना चाहिए? वो बैठकें तो कर रहे हैं, क्या उन्हें नहीं बोलना चाहिए कि अभी फिलहाल हालात को काबू में रखिए? बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इमरान खान को सामने से आके बोलना चाहिए बात, लेकिन क्या करें, इनके पाकिस्तान के जो इनके नेता हैं पीटीआई के या दूसरी पार्टी, सब ये एक जैसे हैं, सभी दोगले हैं। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, इनको अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। अभी थोड़ी देर पहले इफ्तिकार साहब बोल के गए कि ये तो आवाम कर रही है, हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम आवाम को कैसे मना करें। आप उनसे पूछिए इफ्तिकार साहब से कि आवाम को भड़काने में किसका हाथ था। आप पहले भड़का के आग में पलीता लगा के उसके बाद कहते हैं हम पीछे हो जाए, हम कुछ नहीं कर सकते। अभी जो आह्वान दिया गया है कि आप इस्लामाबाद पहुंचिए, आप आइए बड़ी संख्या में आइए, इसका क्या मतलब है? क्या आपको विश्वास नहीं है कोर्ट पे, या विश्वास नहीं है किसी भी हाई अथॉरिटी पे? जो भी कोर्ट फैसला देगी, या तो आप उसको कोर्ट को इंटिमिडेट कर रहे हैं कि कोर्ट दबाव में आके उनके हक में फैसला दे, तो ये कौन सा है? जंगल राज है ये। और यही पाकिस्तान की प्रॉब्लम है कि यहाँ की जो नेता हैं वो अपने लोगों को चैन से जीने ही नहीं देना चाहते। इसलिए मैं उनको कहता हूँ ये पाकिस्तान नहीं है, ना पाकिस्तान। बड़ी खबर आ रही है।